इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने अनाथ आश्रम के बच्चों को उपहार स्वरूप सामग्री देकर अपना जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। छात्र राजनीति से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री पद पर रहते हुए इंदौर, मालवा और प्रदेश की राजनीति में अव्वल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा के जन्म दिवस पर अभय वर्मा मित्र मंडल द्वारा उनका जन्मोत्सव बड़े ही गरिमामय रूप से मनाया गया। जानकारी देते हुए युवा नेता अभय वर्मा ने बताया कि जन्मोत्सव को गरिमामय बनाते हुए अनाथ आश्रम, बहुउद्देशीय सेवा समिति को खाद्यान्न सामग्री व कुकर, वाटर कूलर एवं वंचित परिवार के बालकों को 2 साइकिलें प्रदान कर उनके साथ केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया। नन्हे बालक बालिकाओं ने सज्जन सिंह वर्मा को फूलों की कलियां देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर विशेष रूप से वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बसंतीलाल पांडे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोहर धवन, नगर निगम में विपक्ष के नेता रहे अभय वर्मा, युवा नेता पवन वर्मा, समाज सेवी मदन परमालिया सहित श्री वर्मा मित्र मंडल भी उपस्थित था। इस अवसर पर गीत संगीत का आयोजन भी किया गया। हम सबके नेता सज्जन वर्मा जी का जन्मदिन आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ बनाया गया। जैसा कि हमेशा सज्जन सिंह वर्मा जी गरीब बच्चों के साथ जन्मदिन मनाते हैं और उनके साथ केक काटकर और जो अनाथ बच्चे हैं उनको अनाज वितरण करा आज हमने, और बच्चों को साइकिल दी, कूलर दिए और बहुत सारी ऐसी सामग्री दी जो वो जहाँ उनके पास नहीं थी उस अनाथ आश्रम में हमने उनके माध्यम से पहुँचाई। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करा उनका सम्मान करा आज हमने, तो ये हमारे बड़े गौरव की बात है कि आदरणीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी ने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो देश का भविष्य उनका जन्मदिन बनाया। हम सब आज कार्यकर्ता मिलकर बड़े मैंने उत्साह के साथ ये जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। मैं मेरी ओर से, भगवान की ओर से सज्जन सिंह वर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला समय चुनाव का है मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, सज्जन सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने, यही शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं, पूरी टीम को देता हूं और कांग्रेस सभी साथियों को देता हूं। भैया आपको एमएलए के रूप में देखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये जो हाई कमान कमलनाथ जी तय करेंगे, सज्जन वर्मा जी तय करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऊपर जो सर्वे रिपोर्ट में है नाम आएगा तो लेंगे। देखिए, जन्मदिन किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करता है उसके लिए एक उत्साह का समय होता है, और आज मेरे जन्मदिन पे तमाम सारे बच्चे और ख़ास करके 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस जन्मदिन पे मुझे आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं। मैंने उनका साल श्रीफल पुष्पमाला से स्वागत करके उनके चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया, और वो नौनिहाल बच्चे जो इस समय हम देश का एक भावी नागरिक मानते हैं उनके हाथों से मैंने केक इसलिए कटाया कि कहीं ना कहीं उनमें भी उत्साह का संचार हो और इस देश के नव निर्माण में वो भी अपनी भूमिका निभाएं। ये एक इंस्पिरेशन बच्चों को मिलना चाहिए, इसलिए मैंने बच्चों के हाथ से केक कटाया। भैया, विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस की लहर भी है जी। अभय वर्मा जो 20 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, उनका शहर में अच्छा माहौल भी है, तो इस बार विधानसभा में कहां से उनको टिकट दिया जाए? देखिए, हर राजनीतिक दल का एक हाई कमान होता है, हाई कमान निर्णय लेता है, और जब वक्त आएगा निश्चित रूप से अभय वर्मा एमएलए बनेगा। वक्त का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और वक्त हर उन अच्छे लोगों के लिए आता है जो पवित्र मन से राजनीति को सेवा का भाव समझ के करते हैं, उनके लिए वक्त ज़रूर आता है। सोनकट विधानसभा से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, आप क्या समझ रहे हैं, किस तरह की तैयारी? देखिए, मैं सोनकच की तो बात क्या करूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। 39 टिकटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं।
यदि कल का दृश्य आप देख लें भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के दफ्तर का कार्यालय का, वहाँ जिस तरीके से बगावत के स्वर उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपने आप को उम्मीदवार मानते थे, उन्होंने जो बगावत के स्वर बुलंद किए, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर को घेर दिया, बीडी शर्मा को घेर दिया, भूपेंद्र यादव को घेर दिया, गाड़ियां उनकी निकलने नहीं दी, ये असंतोष का स्वर निश्चित रूप से बगावत का संकेत देता है। और कांग्रेस पहले भी कंफर्टेबल स्थिति में थी, इन घटनाओं के बाद कांग्रेस और भी कंफर्टेबल स्थिति में होकर पूरे मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी। जो लोग अभी कांग्रेस से भाजपा में गए थे, वापस से समंदर पटेल से शुरुआत हुई, क्या कहना चाहेंगे क्या? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमने घोषणा की थी दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता और मैंने दोनों ने मिल के कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग MLA मंत्री भारतीय जनता पार्टी में गए थे कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा के, लोकतंत्र की हत्या करके, उन विधायकों को, उन मंत्रियों को, कई लोग छटपटा रहे हैं कांग्रेस में आने के लिए, हम उनको नहीं लेंगे, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता जिसकी मानसिकता कांग्रेस के प्रति आज भी है, कांग्रेस की विचारधाराओं को आज भी आत्मसात करने के लिए तैयार है, समंदर पटेल हो, कई लोग आ रहे हैं रोज़, आज भी कई लोगों की ज्वाइनिंग है, कमलनाथ जी भोपाल में करा रहे हैं, तो कई लोग आ रहे हैं, पर उन बिके हुए विधायकों को और मंत्रियों को नहीं लेंगे।